In our Java, we have 5 keywords through which we can perform an exception handling. So what are those keywords? Try, catch, finally, throw, and throws. So with the help of these 5 keywords, you can perform an exception handling in Java. So let's understand them one by one. First, let's talk about this Java try catch block. So what exactly Java try catch block is? It is used to enclose the code that might throw an exception. आपको लगे कि यार आप एक प्रोग्राम का कोड लिख रहे हो, आपने एक मैथमेटिकल आप एक कोड लिख रहे हो, आपको पता है कि यार मैं श्योर नहीं हूँ कि वेदर इट विल वर्क और नॉट वर्क. सो यू कैन पुट दैट कोड विद इन अ ट्राई कैच ब्लॉक. आप उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल सकते हो, जिसमें अगर आपको हल्का सा भी डाउट हो कि यार ये चलेगा कि नहीं चलेगा. सो इसकी डेफिनेशन भी यही है, इट इज़ यूज टू इनक्लोज द कोड दैट माइट थ्रो एन एक्सेप्शन. ओके, बेसिकली दिस जावा ट्राई ब्लॉक इज शुड बी फॉलोड आइदर बाय अ कैच ब्लॉक और अ फाइनली ब्लॉक. कि अगर आपने ट्राई लिखा तो इट्स एक मैंडेटरी पैरामीटर है कैच या फाइनली. सो इसका सिंटेक्स किस तरीके से होता है? लेट्स से मैंने एक ट्राई ब्लॉक खोला. ट्राई किस तरीके से खोला? कर्ली ब्रेसेस से मैंने ओपन किया, कर्ली ब्रेसेस से मैंने क्लोज किया. उस ट्राई के बीच में मैंने वो कोड लगाया दैट माइट थ्रो एन एक्सेप्शन. ओके, एंड मैंने बताया कि इसका एक मैंडेटरी और होता है कि हमें इसको कैच कीवर्ड के साथ फॉलो करवाना पड़ता है. सो आइदर बाय अ कैच कीवर्ड और बाय अ फाइनली कीवर्ड. कैच में क्या आता है? कैच में वो आता है एक्सेप्शन का क्लास का नेम या एक्सेप्शन का नेम. अगर आपको एक्सेप्शन का नेम नहीं पता तो यहाँ पर आप लिख दो सिर्फ एक्सेप्शन, और उसको आपको एक रेफरेंस वेरिएबल बनाना पड़ेगा ताकि वो लाइब्रेरी में जाके उस क्लास की डेफिनेशन को कॉल करा सके. अभी प्रोग्राम के थ्रू समझ में आ जाएगा, कन्फ्यूज मत होना. इसके बाद आता है कि मैंने बताया कि या तो वो कैच ब्लॉक के साथ फॉलो होता है या वो फाइनली ब्लॉक के साथ होता है. तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ अ जावा ट्राई कैच ब्लॉक एंड दिस इज द सिंटैक्स ऑफ अ ट्राई एंड फाइनली ब्लॉक. आपके ऊपर है कि आप कैच यूज करो या फाइनली यूज करो, बट हाँ, इफ यू आर यूजिंग ट्राई देन यू हैव टू यूज आइदर वन ऑफ देम. ओके, अगर फाइनली के साथ यूज कर रहे हो तो आप ट्राई को करोगे एग्जीक्यूट, ओपन ब्रेसिस, क्लोजिंग ब्रेसिस एंड द कोड दैट माइट थ्रो एन एक्सेप्शन, और यहाँ पर आपको फाइनली कीवर्ड. ओके, सो दिस इज जस्ट अ सिंटैक्स ऑफ योर ट्राई कैच ब्लॉक और अ ट्राई कैच और ट्राई और फाइनली ब्लॉक. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली अ जावा कैच ब्लॉक इज. बेसिकली इट इज यूज्ड टू हैंडल द एक्सेप्शन. आपने ट्राई में तो बता दिया कि इसके अंदर एक एक्सेप्शन आ सकता है, देन देयर शुड बी समवन हु कैन हैंडल दैट एक्सेप्शन. भाई आपने ये बता दिया कि इसके अंदर मेरा एरर, अब ऐसा भी तो कुछ बनाओगे जो उस एरर को हैंडल करेगा, देन वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अवर कैच ब्लॉक एंड इट मस्ट बी यूज आफ्टर विच ब्लॉक, आफ्टर द ट्राय ब्लॉक. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल और विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम. सो सबसे पहले मैं आपको एक वो प्रोग्राम करके दिखाऊंगा कि विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग मेरा प्रोग्राम किस तरीके से रन होगा और विद एक्सेप्शन हैंडलिंग मेरा प्रोग्राम किस तरीके से रन होगा. So the first I am going to write a program without making use of exception handling. Exception handling के बिना मैं एक प्रोग्राम करके आपको दिखाऊंगा. Let's say मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया num के नाम से, और इस वेरिएबल को मैंने क्या लिख दिया 50. अब मैंने क्या काम किया, मैंने एक रिजल्ट वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने क्या किया 50 डिवाइड बाय 0. अभी हमने बताया था कि इफ वी ट्राई टू डिवाइड एनी नंबर बाय 0 देन इट विल गोइंग टू थ्रो मी एन अरिथमेटिक एक्सेप्शन. सो यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी इससे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. यहाँ पे लेट से मैंने लिख दी डिवाइड बाय जीरो प्रोग्राम. ये मैंने लिख दी डिवाइड बाय जीरो प्रोग्राम. इसके बाद मैंने क्या किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कि भाई जो भी मेरे रिजल्ट का वेरिएबल वैल्यू है वो दिखा दे. मींस रिजल्ट इज डबल कोट्स के अंदर मैंने एक लाइन लिखी दैट रिजल्ट इज प्लस रिजल्ट. ओके, और इसके बाद मैंने एक और लाइन लिखी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन रेस्ट ऑफ द. अब बताओ इन दोनों लाइन में कोई मिस्टेक
या मेरे प्रोग्राम में कोई मिस्टेक नहीं है। सो अगर जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो सी क्लास फाइल बन जाएगी। दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ अ चेक्ड एक्सेप्शन, इट इज अबाउट टाइप ऑफ अनचेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन वो होते हैं कि जो आपके कंपाइल टाइम पे चेक हो जाते हैं, उसी क्लास फाइल ही नहीं बनने देंगे। अनचेक्ड एक्सेप्शन कौन सा, तो भी क्लास फाइल बन जाएगी, बट जब आप उसको रन करोगे तब वो आपको एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। सो लेट्स से इसको मैंने सेव किया, नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस फाइल। तो इसका भी आउटपुट चेक करते हैं कि क्या आएगा। डिवाइड बाय जीरो प्रोग्राम आया, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, किस टाइप का एक्सेप्शन है, जावा डॉट लैन डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट एरे, इट इज अ डिवाइड बाय जीरो एरे। चलो ठीक है, ये अब लाइन कहाँ पर आई है, जावा की 14th लाइन पे आई है। कहाँ पर आया ये मेरा एक्सेप्शन, 14th लाइन पे। सो लेट्स से देखते हैं, यहाँ पर आया, बट यार मेरी इस लाइन में तो कोई गड़बड़ नहीं है, इस लाइन में तो कोई गड़बड़ नहीं, then it should has to be executed। अब इसने क्या किया, normal flow of program को मेरा क्या कर दिया, disrupt। disrupt means कि इसने ये line of code मेरी execute ही नहीं करी, बल्कि इनमें कोई issue नहीं है, अगर कोई problem है तो बताओ, नहीं। so now let's make a use of exception handling। now I'm going to make a use of exception handling। so मेरा कौन सा code है जिसके अंदर मुझे लगा है कि error आ सकता है, result वाला। तो मैं क्या करूँगा, इसको किस में लाता हूँ, try block। Now this try will giving me an error, try without catch or without finally। So मैंने आपको बताया that try has to be followed with either a catch block or a finally block। So let's say I am going to make a use of catch। Now you are a hardcore developer, you know what kind of an exception is this। तो आप directly क्या करोगे catch में, मैंने क्या बताया था catch का syntax कि यहाँ पर आएगा मेरी exception class का name। अब आपको पता है कि ये किस टाइप का एक्सेप्शन है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो आपने यहाँ पर लिख दिया अरिथमेटिक एक्सेप्शन। नाउ यू आर गोइंग टू मेक अ रेफरेंस वेरिएबल ऑफ दिस, लेट्स से मैंने ईएक्स बना लिया, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, तो लेट्स से मैंने ईएक्स बना लिया, कैच को खोला और उसको मैंने किया बंद। और यहाँ पर आप अपने एक्सेप्शन के ना कोई भी डेफिनेशन दे दो। अब ध्यान से देखना कि मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि रेफरेंस वेरिएबल क्या कर रहा है। सबसे पहले वी आर गोइंग टू चेक व्हाट दिस रेफरेंस वेरिएबल इज ट्राइंग टू डू। इसको एक बार यहां से हटा के मैं ट्राई के अंदर ही डाल दूंगा, तभी तो मेरी एग्जीक्यूट होगी अगर ट्राई के अंदर रहेगी तो। ओके सो लेट्स से अब मैंने क्या किया, एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज किया है, ट्राई ब्लॉक लगा दिया इन द कोड दैट माइट थ्रो एन एक्सेप्शन। कैच में मैंने बता दिया कि किस टाइप का एक्सेप्शन है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, उसका एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया। अब देखते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल की हमें क्या डेफिनेशन प्रिंट होकर आती है। इसको मैंने किया सेव, नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। डिवाइड बाय जीरो प्रोग्राम, जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय जीरो। ये किसने डेफिनेशन दी मेरे को, ईएक्स वाले रेफरेंस वेरिएबल ने। ओके और मेरा रेस्ट ऑफ द कोड आप देखा कौन आ गया। सो मीन्स विद द हेल्प ऑफ एन एक्सेप्शन हैंडलिंग मेरा नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं हुआ, ये रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट हुआ और इससे पहले रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। अब लेट्स से यहां पर आपको अपनी खुद की डेफिनेशन देनी है, लेट्स से माय एरर डिवाइड बाय जीरो। अब मैं इसको सेव करता हूं और इसको मैं कर देता हूं रन। अब क्या ही उसकी डेफिनेशन, My error divide by zero। Now अब आप बिल्कुल नए हो, आपको एक्सेप्शन का भी नाम नहीं पता, बट आपको पता कि there is an exception keyword। So अब क्या करो, यहाँ पर सिर्फ क्या लिख दो, exception। क्या लिख दो, सिर्फ exception। अगर आपको पता है कि divide by zero है तो arithmetic exception आ सकता है, तो आपको पता है कि नेम है। So मैंने सेव किया और let's इसको रन किया, My error divide by zero। So now let's talk about Java multi-catch block। Our single Java program can have a multiple catch block statements। किस तरीके से, एक example के through में समझाऊँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक variable बनाया। किस type का variable हो गया ये? Array type का। अब मेरे array का name क्या हो गया?
ARR is equal to new int. मैंने अपने array का क्या size दिया, but मैंने क्या हरकत करी, मैंने इसके sixth element पे, एक तो मैंने इसका sixth element लिया और उसके अंदर ही मैंने क्या किया, मतलब एक तो पहले मेरा कौन सा जा रहा है, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, क्यों, कि भाई फिफ्थ इंडेक्स है तेरे पास और तुम सिक्स इंडेक्स पे वैल्यू करा रहे हो. चलो ठीक है, वैल्यू की तो बात में बात, और वैल्यू में क्या करा रहा हूँ, डिवाइड बाई जीरो. तो मेरे कितने आ गए भाई, दो टाइप के एक्सेप्शन आ गए. सो मैं क्या करूँगा, वट आई विल डू कि मैं इसके ऊपर ट्रैक बहुत ब्लॉक के अंदर डालता हूँ. अब एक कैच ब्लॉक मेरे को इसके लिए बनाना पड़ेगा और एक कैच ब्लॉक मेरे को इसके लिए बनाना पड़ेगा. सो लेट्स से मैंने सबसे पहले अपना कैच बनाया, कैच अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इतना लिखो, कंट्रोल स्पेस प्रेस करो, मेक अ रेफरेंस वेरिएबल ऑफ इट e1. वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, अपना नाम भी डाल सकते हो, सही. मैंने यहाँ पर लाइन दिखा दी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन e1. अगर आपको खुद को भी डेफिनेशन देनी है आप वो दे सकते हो. एक कैच हो गया, नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अनदर कैच, और वो कौन सा है मेरा, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड. तो मैंने लिखा अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, और इसका मैंने वेरिएबल बना लिया e2. और यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सिंपल e2. इसको मैंने किया एक बार सेव, और अब इसको मैं कराता हूँ एग्जीक्यूट. जावा लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय जीरो. चलो ठीक है, एक और मैं दो तीन लाइन लिख दूंगा इसमें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मल्टीपल कैच ब्लॉक एग्जाम्पल. अब सपोज करो यहाँ पर भी एक मेरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन होगा, ये क्या एग्जीक्यूट करेगा, ये वाले भी तो करेगा, क्योंकि मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग परफॉर्म करी. हाँ, अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग परफॉर्म नहीं करा तो नहीं करता. सो लेट्स से मैंने एक लाइन लिख दी टू बेस्ट ओपन, अब इसको मैं सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ. अब आपको दिखाई दिया मल्टीपल कैच ब्लॉक एग्जाम्पल, ये मेरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में था, दिस इज माई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर ये बट मैंने दो कैच बनाए हैं, पर एरर मेरे को क्या आया, सिर्फ और सिर्फ एक. सो देर आर सर्टेन रूल्स विच यू हैव टू नो. वो रूल क्या कहते हैं, पहला रूल ये है कि दैट एट अ रन टाइम और एट अ टाइम ओनली वन एक्सेप्शन इज अकर्ड. क्या होगा कि चाहे मेरे पास मल्टीपल कैच ब्लॉक होते पर एट अ टाइम सिर्फ एक एक्सेप्शन आएगा. पहला रूल ये कहता है ऑल कैच ब्लॉक मस्ट बी ऑर्डर्ड फ्रॉम मोस्ट स्पेसिफिक टू मोस्ट जनरल. मीन्स ये जो एक्सेप्शन बने हुए हैं इनकी प्रेसिडेंस है, कोई हाईएस्ट प्रायोरिटी है कोई लोएस्ट प्रायोरिटी है. सो मींस दिस अरिथमेटिक एक्सेप्शन हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, दैट्स व्हाई इट इज एग्जीक्यूटेड बिफोर अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड. भाई यहां पर अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड भी तो आ सकता था, बट नहीं. क्यों? क्योंकि अरिथमेटिक एक्सेप्शन हैज हाईएस्ट प्रेसिडेंस देन अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड. तो ये दो रूल समझ में आए आपको, कि पहले बात ये कि एट अ टाइम ओनली वन एक्सेप्शन विल गोइंग टू अकर, but at a time only one catch block is executed. The next rule is the all catch blocks are managed according to their precedence, highest priority or lowest priority. अब suppose करो मेरे को मिल गया, ओह मैंने arithmetic exception divided by zero कर दिया होगा कहीं, मैं सोच रहा हूँ stop execution और मैं यहाँ पर जाके इसको कर लूँगा correct. अब मैंने तो किया save और अब मैंने किया इसको execute. Let's say अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, क्योंकि मेरा अरिथमेटिक एक्सेप्शन अब हो गया ठीक. अब आगे मेरा अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड. अब सपोज करो कि मैंने ये भी सही कर लिया, आपको ये एरर है मेरे प्रोग्राम में, आप बताओ क्या एक्सेप्शन थ्रो करेगा. देखते हैं रन फाइल किया, कोई एक्सेप्शन नहीं है तो हमारा नॉर्मल प्रोग्राम चलता ही रहेगा. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ माई ट्राई ब्लॉक मल्टीपल कैच ब्लॉक. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट जावा नेस्टेड ट्राई. जावा नेस्टेड ट्राई मींस वी हैव अ ट्राई एंड इन दैट ट्राई वी हैव अनदर ट्राई स्टेटमेंट. मींस ट्राई के अंदर आपका एक और ट्राई.
सो बेसिकली इसका सिंटैक्स किस तरीके से रहेगा, लेट्स से आपने ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट कराया और इसका मैंने कैच ब्लॉक एक बना दिया। यहाँ पर आ गया मेरा एक्सेप्शन का नेम और उसका एक मैंने रेफरेंस वेरिएबल बनाया, ये हो गया मेरा कैच ब्लॉक सिंपल। अब इस ट्राई के अंदर मेरे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, जैसे स्टेटमेंट एक है मेरे पास वन, देन आई हैव अ स्टेटमेंट टू। अब इसके बाद मेरे को एक और ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट कराना पड़ा विद इन दिस ट्राई, सो मैं क्या करूंगा, लेट्स से मेरे को एक और ट्राई इसके अंदर एग्जीक्यूट कराना पड़ा, लेट्स से टैब दे दो, यहाँ पर मेरा आएगा एक और ट्राई। अब इस ट्राई का भी यार कैच ब्लॉक होगा, सो लेट्स से इसके जहाँ पर मेरा कर लिया इस ट्राई वाला खत्म हो रहा होगा, यहाँ पर मैं बनाऊंगा कैच, उसका एक्सेप्शन बता दूंगा कि भाई इसका इसका मैंने बना दिया एक्स वन। सो ये जो मेरा कैच ब्लॉक है ये किस वाले का है, इस वाले ट्राई का। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? सो ये इस तरीके से आपको इसका सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल कि नेस्टेड ट्राई किस तरीके से वर्क करेगा एक्चुअल में। इससे पहले वाले प्रोग्राम में हमने देखा जब हम ये मल्टीपल कैच ब्लॉक का बनाया था कि सिर्फ एट अ टाइम ओनली वन एक्सेप्शन इज अकरिंग, बट विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड ट्राई यू कैन एग्जीक्यूट एज मैनी कैच एज यू वॉन्ट। उसमें ये नहीं होगा कि यार एक ही कैच एग्जीक्यूट होगा, भाई जिसका जो ट्राई होगा उसका कैच एग्जीक्यूट होगा। अब इसके अंदर अगर मैं दो कैच बनाऊंगा तो दो कैच विल गेट गोइंग टू एग्जीक्यूट। सो नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माय ट्राई ब्लॉक। सो मैंने ट्राई ब्लॉक खोला, सही, इसका सबसे पहले मैं कैच लिख देता हूँ। ओके, इस ट्राई ब्लॉक में क्या कर रहा हूँ, एक मैंने लाइन लिखी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैंने लिखा that I am going to divide by zero. एक ये लाइन लिख दी मैंने going to divide by zero. इसके अंदर मैंने क्या किया, एक मैंने वेरिएबल बनाया num के नाम से और इस num को मैंने क्या किया 10 divide by zero कराने की कोशिश करी। और यहाँ पर एक और लाइन लिख दी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मतलब num की वैल्यू दिखा, चलो इसकी मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं इस पर डाल। अब इस ट्राई के अंदर, अब मैं पहले सबसे पहले इस वाले ट्राई का लिख देता हूँ, इस वाले ट्राई के अंदर मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया लेट्स से अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई एक्स, और यहाँ पर एक लाइन लिख दी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इस तरीके से भी लिख सकते हो दैट एरर इज ई एक्स। Within this try block, I am going to execute another try block. इसी try block के अंदर मैंने एक और try block execute कराया, सही है? और इसका मैंने अब catch block बनाया। सही है? ये try बन गया और इसका catch बन गया। अब इस try के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक और variable बनाया num1 के नाम से, I am going to make it as a एरे वेरिएबल और मैंने इसका साइज लिया न्यू इंट, अच्छा मैंने इसका साइज लिया 10। बट व्हाट आई एम डूइंग, मैं इसके नम वन के 11th इंडेक्स को पॉपुलेट कर रहा हूँ किससे, एक 89 के वैल्यू के साथ। सो दिस इज माय एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर। यहाँ पर चलो एक और लाइन लिख देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंडेक्स आउट ऑफ, एग्जाम्पल मैं लिख दिया। अब दिस टाइप ऑफ एक्सेप्शन इज कॉल्ड एज अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्स वन, मैंने इसका बनाया और यहाँ पर सिंपल लिखा एक्स, सही। और ये वाला जहाँ पर मेरा कैच खत्म हो रहा है मैंने इसके अंदर एक और लिखा सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट एलन my rest of the code. I'm going to save and now I'm going to execute this program.
going to divide by zero. Error क्या है? Java dot length of arithmetic exception divided by zero or rest of the code. So इसमें वही rule follow हो रहा है कि at a time only one catch block is going to execute. So this is the concept of our nested try.